शैक्षणिक उदय नारायण जी और यहाँ पर उपस्थित सभी देश के कोने कोने से आए वार्षिकोत्सव हो रहा है और हर वर्ष आप इस वार्षिकोत्सव को मनाते हैं, वर्ष में एक सम्मेलन करते हैं, पर ये पीछे के वर्ष का अपना समीक्षा करते हैं कि पीछे का वर्ष कितना अच्छा हमारा गया है, क्या कमियां रही, क्या खुशियां रही और अपनी कमियों को और अपनी खुशियों को संयुक्त रूप में वर्ष भर में आप बांटते हैं। मुझे खुशी है, मैं आपको बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो परिवार जब एक होता है और ये तो नाम ही संगठन है इसका नाम, तो हमेशा संगठन में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है और जब परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है, उत्सव होता है, कोई सूचना होती है तब भी उसको हम बांटते हैं मिलकर के, तो खुशी का इजहार करते हैं सब लोग मिलकर के, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं हमेशा। जब किसी भी परिवार में कोई खुशी होती है तो सारे सदस्य उस खुशी को बांटते हैं और खुशी बांटने से और खुशी प्राप्त करने से जो मन के अंदर की गुदगुदाहट होती है वो एक नई दिशा को पैदा करती है, नई सृजना को पैदा करती है, नया विचार देती है, नए उत्साह उल्लास जिज्ञासा जिज्ञासा देती है। और जब परिवार में कभी कोई कष्ट में भी रहता है, कठिनाई में रहता है, तो भी जब परिवार रहता है तो मिलकर के उस कष्ट को हम मिलकर के दूर करते हैं, बांटते हैं कष्ट को, तो अब कष्ट बांटने से घटता है और खुशी बांटने से बढ़ती है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए जब भी हम कभी कठिनाई में रहते हैं तो उसके लिए हम परिवार में बैठते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। ये जो हमारी परंपरा है ये आज की परंपरा नहीं है, ये हमारा जो देश है जिसको विश्व गुरु कहते हैं और इस विश्व गुरु हिंदुस्तान में केवल विश्व गुरु शब्दों में नहीं कहा है, हम ज्ञान और विज्ञान के अथाह भंडार थे नहीं अभी भी हैं। अलग बात है कि हम अपने को प्रदर्शित करने में कभी चूके होंगे तो अलग बात है, लेकिन जो हैं वो हैं। मैं तो समझता हूँ कि हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु रहेंगे, इस सत्य से कोई नकार नहीं सकता, नकार ही नहीं सकता, वो है ना, क्योंकि वो चीजें हमारे पास हैं जो सारी दुनिया को कुछ देने के लिए हमारे पास, जो ताकतवर होता है वही मार्गदर्शक हो सकता है, कमजोर आदमी यदि मार्गदर्शन की बात करता है तो उसको पागल बोलते हैं, लेकिन ताकतवर यदि मार्गदर्शन की बात करता है तो सिद्धांत बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है, अंतस्य सिद्धा होता है। और इसलिए हमारे पास क्योंकि पूरी दुनिया को देने के लिए हमारा विचार भी बड़ा है, हमारा विचार हम पूरी दुनिया को हमारा एक परिवार माने हैं। एक और हम कहते हैं अयम निजम प्रवृत्ति करना लुचित साम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुम कम, पूरी वसुधा को कुटुम माने वाला ये दुनिया में कोई विचार है तो वो हम हैं, पूरी दुनिया का हम कुटुम मान सकते हैं, कुटुम माने वाला हम ही मान सकते हैं, कुटुम कौन मानता है जिसमें ताकत होगी, पूरी दुनिया को अब तो इतनी संकीर्णता हो गई, कमजोरी हो गई कि भाई को भाई भी शहर में हो रहा है, आप आपस में चार लोग भी मिलकर के एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने तो पूरे विश्व को अपना माना है, ताकत थी हमारे पास, ताकत है हमारे पास, ताकत रहेगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ना कुछ करने का मन होता है, उसके रगों में कुछ ऐसा खून रहता है। एक आदमी कुछ सृजन की बात करता है, यदि कोई यहाँ पे बैठे होगा तो कोई तो वैसे होंगे नहीं, यहाँ पर हमारे सब लीडर हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कहीं जाए आप तो बुझे दिल से ऐसा लगता है किसने बिठा दिया उसको बेचारी को कहीं से ला करके, और कुछ लोगों के चेहरे पर नजर डालो उत्साह मिलता है, वो जीता है उस क्षण को, जिस क्षण में वो बैठा है उस क्षण को जीता है, एक उस क्षण को जीता है और दूसरे उस क्षण को डूबता है। आदमी एक ही है, समय एक ही है, परिस्थितियां एक ही है, एक जीता है दूसरा बोलिए ना, हाँ आदमी एक ही है, परिस्थिति एक ही है, बस विचार का विषय है, थोड़ा अंतर इतना होता है, वही अंतर आदमी को शिखर पर भी पहुंचा देता है और वही अंतर आदमी को जमीन पर भी पटक देता है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लीडर हैं,
आप पीढ़ी के निर्माताओं के भी पथ प्रदर्शक हैं, आप अध्यापकों के भी ऊपर हैं, आप उस पीढ़ी को जिस पीढ़ी के हाथों से वो जो वैश्व गुरु का रास्ता कायम हुआ है उसकी मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। इसलिए हमको यदि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं तो उसके लाभ गुना ज्यादा, हमें प्रतिभा होनी चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए, सबलता होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, तब हम दूसरे को कह सकते हैं। क्यों कहें दूसरे को, क्या हक है हमको दूसरे को कहने का यदि वो हम नहीं है तो? और यदि आप कहते हैं तो लोग आपकी बात को नजरअंदाज कर बोले तो दुनिया मेरा परिवार अपने परिवार को भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम वैश्य को परिवार मानते हैं और सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत निरामय की परिकल्पना करते हैं कि जब तक धरती पर एक भी व्यक्ति दुखी रहेगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये है परावस्था, ये मैं शायद कुछ लोगों को मैं हो सकता मैं समझा नहीं पा रहा क्योंकि कुछ लोगों की तो स्वीकृति मिल रही है तालियों से, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या बात हो रही है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ इसलिए इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है जीवंतता तो यहीं से शुरू होती है ना, जीवंतता इसी प्रसाद से शुरू होगी। मैं इन चेहरों को देखता हूँ तो उन चेहरों पर आधा छलकनी चाहिए कुछ करने की जिज्ञासा। हर व्यक्ति के चेहरे पर देखकर आधा आदमी जब आपके सामने आता है तो उसका क्या व्यक्तित्व है 50% से ऊपर वो खड़े खड़े दिखाई देता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हाँ या ना बोले तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जो चुपचाप है वो मेरी बात से सहमत नहीं है, यदि सहमत में हाँ बोले, नहीं सहमत है तो ना बोले, क्योंकि तटस्थ लोग दुनिया में सबसे खराब होते हैं। दुनिया में यदि सबसे खराब लोग हैं तो तटस्थ लोग होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे कोई मना करते तो समाधान निकलता है, कोई ना भी कहे समाधान निकलता है, हाँ कहे तो काम का स्वीकार तो कर ही रहा है, लेकिन जो चुप है वो खतरनाक होता है। उसको कुछ पता नहीं चलता, उसको भरोसा नहीं है, सोच के अलग बोल रही है। तो इसे ये जो तटस्थ लोग हैं, कोई भी दुनिया में तटस्थ लोगों को इतिहास ने भी क्षमा नहीं किया। किस बात की तटस्था? हम या हाँ बोले या ना बोले बीच का कोई रास्ता नहीं, या कि हमारी बात को समझो या हमको बात समझाओ, इसका कोई रास्ता नहीं। ओके ना, ठीक है? या कि हम लीडर हैं, हम सब लोग लीडर हैं, हम अपनी बात को समझें, और यदि हमारी बात उनकी समझ में नहीं आ रही तो उनकी बात को समझें। बीच का रास्ता नहीं, तटस्थता का कोई रास्ता नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो वैश्य को हम अपना परिवार मानते हैं और उस परिवार के लिए उस सर्वे भवन्तु सुखिनः की पराकाष्ठा तक जाते हैं, इसीलिए दुनिया में हम विश्व गुरु हैं, क्योंकि दुनिया ये जो विश्व को वर्ल्ड उनके लिए मार्केट है, उनके लिए विश्व बाजार है और हमारे लिए विश्व परिवार है। बाजार में व्यापार होता है, परिवार में प्यार होता है, अंदर सिर कितना होता है। जिसकी जेब में पैसा होगा वो अपना व्यवसाय करेगा, उसका सम्मान होगा, उनको बाजार में जाएगा उसी की पूछ होगी। जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो चौराहे पर खड़ा नजर आएगा, लेकिन जब परिवार होता है तो जिसके पास पैसा होगा वो भी उतना ही होगा, जिसकी जेब में पैसा नहीं वो भी सब मिल करके एक साथ प्यार से आगे बढ़ेगा। ये परिवार का भाव होता है और इसलिए ये जो संगठन है ये परिवार का भाव है। मैं समझता हूँ कि हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मुझे अच्छा लगा कि आपके दुआ पर आयुक्त हैं और 5-4 जो है आपके 5 संयुक्त हैं, संयुक्त आयुक्त हैं, जिसमें एक हमारी सेना से भी एक वर्ष है यहाँ पर, जो मिलिट्री के लगभग 350 ऐसे स्कूलों को सीधा सीधा उसका समय में देखते हैं, उस दिशा में प्रशासन देखते हैं। और बाकी लगभग 32 लोग हैं डिप्टी कमिश्नर के, जिनमें 25 उपायुक्त हैं, 5 क्षेत्रीय निदेशक हैं जो प्रशिक्षण के हैं। और मैंने कहा है कि क्या सब लोग उपस्थित हैं, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हाँ सब लोग उपस्थित हैं, तो मैं आपको शुभकामना देने के लिए आया हूँ, बधाई देने के लिए आया हूँ। मुझे आते हैं, आगे बहुत कुछ करनी है,
बात करेंगे, आज वही आपका सम्मेलन है, बात करेंगे। मैं संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्या हमें ये पता है कि हम लीडर हैं? क्या हमको पता है हमारी लीडरशिप ने हिंदुस्तान को दुनिया के शिखर पर ले जाने के लिए हमारी तैयारी है और हम बहुत तेजी से हमको दौड़ना है? दो, हमको क्या ये पता है कि जो धरोहर हमारे हाथों में सौंपी हुई है उसको लेकर के उसको हमने विश्व गुरु के उस दौर में खड़ा करना है जब वो चुनौती पूरा पूरी दुनिया को कह सके आओ तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं, हम तो हैं, हम ठीक करेंगे पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया का तन भी ठीक करेंगे, पूरी दुनिया का मन भी ठीक करेंगे, पूरी दुनिया में नया नवोन्मेष नवाचार के रूप में हम शिखर तक पहुंचाएंगे। दुनिया को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं जब तक हम हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पूरी दुनिया को ज्ञान और विज्ञान की दिशा में हमने हमेशा लीडरशिप दी है। और इसलिए ये यदि हमारे मन के अंदर भाव है तो फिर योद्धा हैं आप लीडर हैं। जिस लीडर के चेहरे पर अच्छे भाव नहीं होते वो कभी लीडरशिप, कुछ लोगों की आदत होते रोते रहते बेचारे, वो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते, इसने ये बोल दिया तो उसने वो बोल दिया। लीडर का काम समाधान करना है, छोटी छोटी बात में उलझे रहना नहीं। लीडर का काम पूरे परिवार का मुखिया के रूप में होना है, उसको देख करके उत्साह भी हो, उमंग भी हो, प्यार भी हो तो डर भी हो। एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मार्गदर्शक, वो सभी इन लीडर्स में वो सभी गुण अपेक्षा करते हैं। अध्यापक यदि खराब हो रहा है, आप उपायुक्त को किसी स्कूल में चले गए तो 10 उदाहरण दे हमारे उपायुक्त ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये। जब किसी के गुणों का व्याख्यान करते हैं तो वो गुण अपने अंदर आते हैं हमेशा। आलोचना करने वाला व्यक्ति गिरता है नीचे, क्योंकि 24 घंटा तो ना ही दिल्ली मारते, 24 घंटा तो खराबी है, तो अच्छा ही कहां से, आसान तो वही है ना, आसान तो वही है। इसलिए जीवन में सकारात्मक लोग बहुत ऊपर उठते हैं, विपरीत परिस्थितियों में उनको मार्ग मिलता है, ताकत के साथ बढ़ते हैं। लेकिन नकारात्मक लोग वो केवल भले ही 4 लोगों की आलोचना करके खुश होते होंगे, लेकिन वो अपना समय बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं, मन खराब होता है, समय खराब होता है, और जो आप बोल रहे हैं वो खराब होता है। ये तो एक प्रकृति का नियम है, जो अच्छा सोचेगा वही अच्छा बोलेगा, जो अच्छा बोलेगा वही अच्छा करेगा, और जो अच्छा करेगा उसको रिजल्ट, हाँ सब लोग, जो खराब सोच रहा है वो अच्छा बोल कैसे सकता है, जो खराब बोल रहा है वो अच्छा कर कैसे सकता है, जो खराब कर रहा है उसको रिजल्ट अच्छा मिल कैसे सकता है, ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए हम हमारी लीडरशिप में वो सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के सामने आप खड़े होते हैं बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है ये और बोलता तो कितना अच्छा था, ये और साथ में रहता तो कितना अच्छा था, जब तक हम मिला होगा थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति, लेकिन जब तक मन मस्तिष्क में वही छाया रहता, हम नहाने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वही देख वो दिल दिमाग में छाया रहता। कारण क्या है, आप क्यों नहीं छा सकते, हम क्यों नहीं छा सकते, कुछ तो था जो वो कुछ था जो आपके दिल दिमाग में, वही तो बन जाओ। यदि हमको दूसरे को देख करके अच्छा लगता है तो इसका मतलब वो अच्छा है, तो वो जो हम दूसरों को देख करके अच्छा लगता है वो हम क्यों नहीं हो सकते, बस ये स्थायी पार्टी की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसको समझ करके समझाने की जरूरत है। मेरा बच्चा जिस दिन अपने चरित्र के रूप में खड़ा हो जाएगा, जिस दिन उसको छोटी छोटी बातें उसके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, ये केवल अंत ज्ञान और अक्षर ज्ञान केवल ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है, ये केवल रेग पड़ करके घट्टा मार करके और उठ भी गया बढ़ भी गया तो ठूंठ सा रहेगा, ठूंठ सा लंबा तो दिखाई देगा, ऊंचाइयों को छूता दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा बात झोंक से, क्योंकि जड़ें उसकी गहरी नहीं है, वो छांव उसके वो नहीं है, ठूंठ सा कोई भी खड़ा वृक्ष आपको लगता होगा देख करके बड़ा खराब लगता है, और वो छोटा सा होगा जो कभी नहीं सह पाता, उखड़ करके चला जाता है, क्योंकि उसमें दम नहीं होता है। हमको जरूरत है चाहे जितनी दूर तक भी हम खड़े हो सके अपनी गहरी जड़ों के साथ खड़े, गहरी जड़ों के साथ।
हमारा छोटा सा भी वृक्ष यदि जड़ें उसकी गहरी हैं तो तमाम तूफान और आंधी उसको टिका नहीं सकती हैं, लेकिन बड़ा ठूंठ सा भरा लंबा पेड़ छोटा सी हवा के झोंके में भी खत्म हो जाता है, वो ताकत नहीं होती उसको उसको सहने की। और ये जो जड़ों की बात मैं करता हूँ तो ये हमारी संस्कार है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो पुराना वैभव है जिसके नाते हम देश और दुनिया में शिखर पर रहे हैं वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है। हमने उस पर शोध नहीं किया, हमने कभी उस पर जाना नहीं, और लंबी लकीर खींच करके जो देश हजारों वर्ष पुराने हैं वो थोड़ा सा सोच करके हम वहीं जाकर के घूम करके फिर अपने देश माना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा भंडार है शोध का, ज्ञान और विज्ञान का भंडार है, हम उसमें शोध भी करना चाहते हैं। उस पर हमने कहीं वेदों में ठूस दिया, कभी पुराणों में ठूस दिया, कभी शास्त्रों में ठूस करके कभी उसको रखा हुआ है। अब जो दुनिया के लोग बाहर के जब उसको प्राप्त कर रहे हैं अब जाकर के हमको समझ में आ रहे हैं। आज संस्कृत में जर्मनी और तमाम देशों के बच्चे फराटेदार तरीके से संस्कृत बोल रहे हैं। अब उनको लगता है, अभी नासा ने कहा है कि संस्कृत दुनिया के भी ये कंप्यूटर युग व्यवस्थित करना है और इसको जिंदा रखना है, क्योंकि वो संस्कृत संस्कृत भाषा है जो बोली जाती है, वही उच्चारित होती है और वही लिखी जाती है। अब दुनिया के लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत का तो जन्मदाता ये हिंदुस्तान है। मेरा तो सौभाग्य है जहाँ से मैं हिमालय से आता हूँ वो संस्कृत की जन्मस्थली है, वहीं से संस्कृत का जन्म हुआ है, आयुर्वेद का जन्म हुआ है, वेद प्राण उपनिषद से जन्म हुआ है, ऋग्वेद की ऋचाओं से वृक्ष पैदा हो जाते हैं, उन ऋचाओं को करके जो है आप वर्षा को नीचे ला सकते हैं, वो ज्ञान और विज्ञान का। आज आज लोग जो प्रगतिशाली लोग हैं वो कहते हैं अच्छा ये पुरानी बातों को कह रहे हैं, वही पुरानी बातें नहीं है, वही असली जीवन है, आप उसको शोध करके आगे तो बढ़ाओ, इसकी जरूरत है। हम अपने बच्चे के मन में वो उत्सुकता पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम जो अपना पैदा अपने देश को दुनिया को हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जिस स्थान पर वो है क्या वो संस्थान को हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, उसकी जानकारी, उसके इतिहास, उसका भूख, उसके संस्कार, ये जरूरी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत चिंता की है, उनकी चिंता है कि बच्चों में ये संस्कार, क्योंकि आप जब बचपन के होते हैं और आप पांचवी से लेकर के आठवीं नौवीं तक होते हैं तब आप विचार करें जिंदगी का एक एक क्षण आपको याद रहता है। दसवीं के बाद कहां तेजी से दौड़े भागे, बीस साल तमाम तूफान आंधियों से होते हुए गुजर करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, वो बहुत कम घटनाएं याद रहेंगी, लेकिन जीवन में कक्षा एक से लेकर कक्षा दस तक एक एक दिन एक एक क्षण याद रहता है कि नहीं रहता है, तभी वो हृदय में बसी बात है। यदि वो संस्कार उस समय पड़ जाता है तो वही उसकी आधारशिला बनती है। और इसमें हम ठीक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ हमारे पास तमाम कोरे पन्ने हैं, उन पन्नों पर हम क्या लिखना चाहते हैं, ये हमारी विधा, हमारी प्रकृता, हमारा विजन, क्या विजन है हमारा, और उस विजन को फिर मिशन में ढाल करके इस फौज, एक बहुत बड़ी सेना, एक बहुत बड़ी ताकत जो हमको मिली है, हम तो सौभाग्यशाली हैं। शिक्षक तो सबसे बड़ा होता है, शिक्षक सबसे बड़ा होता है, अलग बात है शिक्षकों ने अपनी जन्म गिरा दी तो क्या करेगा दूसरा, हर व्यक्ति के अपने हाथ में जन्म बनाना और बिगाड़ना। आज भी शिक्षक तो शिक्षक, वो छात्र जिस पाप कह रहे हैं उसमें उत्सुकता, वो आज भी आपके पीछे है, लेकिन हम क्या उस सीमा तक उसके प्रति समर्पित होकर के उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, महसूस कराने की जरूरत नहीं, उसको होने की जरूरत है। एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, बोल करके कोई करे वो करना नहीं है, उसने किसी बात का असर उसकी हृदय के अंदर तक और उसने स्वयं तैयार हो गया उसको करने के लिए, वो असली बात है। क्या हम उसी हृदय तक पहुंच रहे हैं, क्या हमारा जाने का जो रास्ता है उस तक पहुंचने का रास्ता ठीक है, जो पहुंचाना चाहते हैं हम उस तक वो ठीक है कि नहीं, दोनों तीनों बातें, यदि जो पहुंचाना चाहते हैं वो ठीक है लेकिन पहुंचाने वाले का रास्ता ठीक नहीं तब भी बेकार हो गया, और यदि पहुंचाने वाला तो ठीक है लेकिन जो चीज पहुंचनी है वो पहुंचने वाली चीज स्थायी नहीं है, दूर तक प्रभाव देने वाली नहीं है तो भी बेकार हो गया। हमारे सामने चुनौतियां हैं, मैदान हमारे सामने पूरा खाली है, मुझे भरोसा है कि आप जब वापस जाएंगे तो आपके अधीन जितने भी विद्यालय हैं
जाकर के उन बच्चों में कुछ नई ऐसी चीज आनी चाहिए जो लगे उनको कि हाँ आप नए, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नए भारत का निर्माण चाहिए उनको, वो भारत जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ था, नया भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये श्रेष्ठ भारत चाहिए। और मुझे भरोसा है, मैं तो आशावादी रहा हूँ हमेशा, जब भी कोई पहल होती उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि हमारा मन बड़ा है, हमारा संघर्ष बड़ा है, हमारा दिल बड़ा है, हमारा विचार बड़ा है, हमारा धैर्य भी बड़ा है। हर बड़े बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा मन चाहिए, बड़ा विचार चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, हर चीज बड़ी चाहिए। और मुझे भरोसा है वो हर चीज हमारे पास है या नहीं। कुछ लोगों ने तो सीधी नहीं रहा वो सोचते हैं कि है कि नहीं है, बस देखते नहीं कि है कि नहीं है। और इसलिए मैं आपको शुभकामना देने के लिए आया हूँ। मैं बिंदुओं में तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा कि ये चर्चा का विषय भविष्य में ही परिवार में हम समय समय पर मिलते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, अब हमारा कर रहा है, लेकिन ये परिवार खुशहाल परिवार होना चाहिए, खुशी खुशी से, ये योद्धा खुशी खुशी से दौड़ो ना और हर परिस्थिति का मुकाबला करो ना। और इधर से लेकर इधर तक यदि केंद्रीय विद्यालय कहेंगे तो आज ये सारा केंद्रीय विद्यालय है, इससे अच्छा तो केंद्रीय विद्यालय नहीं कुछ, यही तो ना केंद्रीय विद्यालय इस प्रसार में, हाँ ना बोलो ना, यही तो है। ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो इधर, ये ही केंद्रीय विद्यालय संगठन है। इधर मैं खड़ा हूं, इधर मेरे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, इधर कमिश्नर है, दोनों साइड पर उनको उपायुक्त है, अपर आयुक्त है, और बाकी सारे ये योद्धा टीम लीडर, ये संगठन है, ये नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों का पूरा प्राण है ये आधार स्तंभ है। यदि केंद्रीय विद्यालय आज शिखर पर पहुंच रहे हैं तो गुरु इस टीम का परिश्रम परिणाम, विपरीत परिस्थितियों में भी कई बार कठिनाइयां होती हैं, आदेश का पालन करना है, प्रारंभिक परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मंत्रालय ने, विभाग ने, संगठन ने कुछ ऐसी नीतियां तय की हैं, जाना पड़ता है, लेकिन उत्साह के साथ कोई बात नहीं। यदि हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए हैं तो हम इस शिक्षा की रक्षा के लिए सैनिकों की भान के हम भी तैयार हैं। जब मन बड़ा हो जाता है तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। तो मेरी शुभकामना है कि आप एक नया उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, और दो चीज में अनुरोध करना चाहूंगा, और इससे मैंने मल साहब को भी कहा था, संतोष को कहा था कि क्या मेरी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला अंतिम छोर तक बैठने वाला बच्चा जानता है कि प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है, उनके मानव संसाधन विकास मंत्री जी का विजन क्या है, और उन विजन को उसने भविष्य में पूरा करना है, वो समझ आए ना। ये कहा कि जब टारगेट दूर कर रहता है तब वो उन्हीं के बारे में सोचता, विचारता रहता है, दौड़ता रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तय है, दूर का लक्ष्य है, उसको तमाम बाधाएं वैसे ही पार करता चला जाता है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण की बात की है, स्वच्छ भारत की बात की है, ये दोनों चीज घर घर के अंदर पहुंचनी है और हर दिल पहुंचनी है, इसलिए जीवंत रहना है। ऐसे बच्चों को छांटना मेरी अपील भी जानी चाहिए संतोष जी हर परिवार तक कि हम जल संरक्षण करें। मेरा बच्चा यदि अपने परिवार को एकदम ये कहकर के ये कहता है कि नहीं ये आप पानी अतिरिक्त तो खराब नहीं करना है, ये नल बंद करो, नहीं इतना ही पानी करो, यदि एक दिन में वो 2 लीटर पानी को भी बचाता है तो आपके बच्चे कितने हैं? 12 लाख दूनी 24 लाख लीटर एक दिन में सेव हो जाता है, 24 लाख लीटर। सामान्य सी बात,
और वो बच्चे की जिम्मेदारी। फिर ऐसे हम लोग कहें अच्छा बच्चों बताओ किस किस ने अपने घर में तो उसका कहना किस किस ने माना, कौन नहीं मानेगा माता पिता। बच्चा कहेगा बच्चा आजकल कूड़ा होता है और तुरंत उठाकर लेता है। यदि माँ को कहेगा माँ ऐसा क्यों कर रही है आप, पिताजी आपने देखे ना फिर गंदा कर दिया, तो बड़े लोगों को शर्म आती है। हाँ बच्चा ये बिजली क्यों रहे है, ये बिना बात के वो है। तो ये छोटा छोटा संस्कार उसकी ऊंचाई पर छोटी छोटी बातें बहुत बड़े परिवर्तन का विषय बन जाती है। बड़ी बातों को करके परिवर्तन नहीं होती, छोटी बातें परिवर्तन बड़ा करती है, ये समझ लीजिए। आप सहमत हैं मेरी बात से, भाषण देने से परिवर्तन नहीं हुआ करते, अपने जीवन के अंदर कुछ करके और जमीन पर खड़े होकर के परिवर्तन होते हैं। तो ये दो मिशन, एक तो जल संरक्षण का मिशन और दूसरे स्वच्छता का मिशन, ये दो मिशन हमारे अपने बच्चों को समय समय पर। मैंने जब प्रार्थना होती उस समय वो बच्चा जो महीने में नंबर एक आया है उसको सबके बीच जो है क्या क्या उसके उसके वो बुलवाइए ना, उसके अनुभव बुलवाइए कि कैसे करके उसने जो है अपने परिवार में किस तरीके से लोगों को पानी के अपव्यय करने से रोका है, कैसे करके स्वच्छता में अगल बगल में। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको, स्पर्श गंगा अभियान हम चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं, लगभग लाखों लोग गंगा उससे जुड़ी जितनी जल धारा है उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए लोग स्वतः ही चर्चा न करें, चिंता न करें, भाषण न दें, बल्कि हर संडे को अपने जीवन का एक घंटा दें, नदियों में जाएं और सफाई दें। ये हमारा अभियान था, लाखों लोग इस अभियान से जुड़े हैं। ऋषिकेश में लगभग 3000 छात्रों का एक कार्यक्रम हुआ, 3,500 होंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हुआ। तो मीडिया के एक तो आया और मीडिया के उसने उस बच्चे को, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं ये होता है कि क्या चीज़ भाग रहे हैं, तो उनको लगा कि इस बच्चे से कुछ बुलवाए, उनको तो जबरदस्ती यहाँ लाया गया है और हमको तो पता नहीं जो भी जाओगे मन। लेकिन उन्होंने तो बच्चा जो पांचवी में पढ़ने वाले बच्चे को पूछा कि अच्छा आप यहाँ गंगा सफाई के लिए, हाँ गंगा सफाई के लिए, तो अपने आप आए यहाँ, हम अपने आप आए, तो रोज रोज तो नहीं आ सकते हैं आप यहाँ, तो आप तो संकल्प ले रहे हैं कि आप गंगा सफाई का वो करेंगे। उस बच्चे ने कितने खूबसूरत जो है जवाब दिया, उसने कहा ना अंकल मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं ना अपने घर के अगल बगल में साफ करूंगा, वहां की गंदगी ना मैं गंगा में आके वहीं में ठीक करूंगा। आप समझ सकते हैं कि उसके मन में वो बच्चा पांचवी में पढ़ने वाले बच्चे के मन में क्या था। उस दिन मेरे मन में आया और मैंने उस बच्चे के बारे में जब जानकारी बाद में पाई तो उसने क्या क्या उठे, उसके बाद मोहल्ले में जाकर वो 5-7 बच्चे थे वो रोज मोहल्ले में संडे को निकल जाते थे और कहते थे अंकल आपके यहाँ ये बहुत कूड़ा पड़ा है गंदा पड़ा हुआ है, उसको उठाते थे और बाल्टी लेकर के जाते थे। उस सारे मोहल्ले में लोगों ने कहा कि इन बच्चों ने पूरा मोहल्ला बदल कर दिया, उन बच्चों को मैंने कहा सम्मानित करो। फिर मेरे मन में आया कि हाँ ये जो बच्चा है ये 60 साल तक की 70 साल 80 साल तक की ये धरोहर है, जो इसके मन में आज हम पैदा कर देंगे वो 60 साल तक जीवित रहेगा, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। ये जो बड़े लोग हम लोग हो गए हैं अब हमारी बहुत कम स्थिति होती है 19-20 तक बदलने का माइंडसेट बना रहा है और थोड़ा सा इस समय विचार भी करते हैं यार बात तो सही है ठीक ठाक है, बाद में जाकर भूल जाते हैं। तो माइंडसेट क्या है थोड़ा सा बना रहा है, वो हम लोग ज्यादा इच्छा शक्ति का व्यक्ति होगा तो बदल देता है, बहुत उसके लिए बहुत प्रखरता भी चाहिए, इच्छा शक्ति का धनी आदमी चाहिए, नहीं बदलूंगा ठीक है ना मेरी याद है ठीक नहीं ठीक कर दूंगा। लेकिन ऐसे लाखों में 1% होता है, हाँ करते हैं 19-20 आ जाते हैं उसके लिए करते तो। लेकिन ये जो बच्चा है इसके मन में जो भी आप देंगे वो लिखा जाएगा, मुझे भरोसा है ये जो मेरी लीडरशिप है इसके अंदर विजन भी होगा, इसके अंदर मिशन भी होगा, ये जिस विजन को उस बच्चे ने देना चाहता है पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है उसमें हमने अभी में पीछे के दिनों में देख रहा था क्यों ना हम दुनिया की रैंकिंग में आते हैं,
देन हम चुनौती हम देन दुनिया में हम ही नंबर एक है, कौन रोकेगा हमको आप बताइए ना, कर सकते हैं ना, उसी काम के लिए तो है हम यहाँ, उसी काम के लिए तो जो जो कमी हो उसको दूर करेंगे। मेरी आपको सबको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ से जाएं, अपने क्षेत्र में जाएं। मेरी जरूर कोशिश है जहां भी जाऊंगा तो मैं तो अध्यापक ही रहा हूं, और मैं उस सृजन को महसूस कर सकता हूं। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि चाहे मेरा विश्वविद्यालय हो कोई, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय, चाहे NIQ हो, चाहे IIIT हो, चाहे AIIM हो, और चाहे वो मेरा केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे मेरा नवोदय विद्यालय हो, मैंने सबको कह दिया जिस क्षेत्र में मेरा प्रवास लगेगा इन सारे संस्थानों को मैं पहली मेरी प्राथमिकता उनके लोगों को मिलने की पहली प्राथमिकता, और हम इस उत्साह के साथ जाएं यहाँ से कि आप हर वर्ष में जो ये वर्ष आता है पीछे का वर्ष और आगे जो आपने करना है, जब ये 2-3 दिन का आपका सेमिनार हो रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से करें, और अगला जो वर्ष हमारा होने वाला होगा उस वर्ष में अपनी उपलब्धियों के पुंज से आकर के हम यहाँ पर, मुझे भरोसा है अगले साल भी मैं आऊँगा और मेरी योद्धा इनके चेहरों पर मुझे और रौनक दिखाई दे और उत्साह उमंग दिखाई दे, प्रगति की वो बिंदु दिखाई दे, जिससे हम कह सकें कि हाँ हम केंद्रीय संगठन के जो विद्यालय थे हमारे हमारे केंद्रीय विद्यालय उसने दुनिया में इस देश का माथा ऊंचा किया। मेरी शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद। और उन रिक्तता में आपके लगभग 7,500 पद और जिसमें 6,473 पद शिक्षकों के हैं और 1,026 पद शिक्षणेतर कर्मचारियों के हैं, इसका आदेश हो गया और बहुत जल्द इसकी